तहसील के नांदूरी और खेरी ढाल गांव के बीच से बहने वाले नाले की उचित रखरखाव और नियमित सफाई न होने के कारण नाले से सटे किसानों के सैकड़ों बीघा खेती जलमग्न होकर उन्हें अपनी फसलों से हाथ हर वर्ष लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस संदर्भ में बांध काम विभाग, जल संपदा विभाग, कृषि विभाग और पंचायत समिति आदि को गुहार लगाने पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से किसानों को दोबारा बुआई का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दो दिनों से हुई बारिश के चलते दर्जनों किसानों के खेत खलियान जलमग्न होकर तालाब का रूप धारण कर हाल ही में की गई बुआई का सारा बीज अपने साथ बहा ले गई, जिससे पीड़ित किसानों को लाखों के नुकसान के साथ ही दोबारा बुआई का संकट आ खड़ा हुआ। ग्राम नांदूरी के पीड़ित किसान मनोहर ताज ने धोनबा बोंडे, संजय बोंडे, लीलादा बोंडे, चिंतामन ढाकरे, देवमन ढाकरे, रवि ढाकरे आदि ने शीघ्रता से नाले की सफाई करने और नाले का पानी खेत में घुसने से हुए नुकसान का जायजा लेकर शीघ्र मुआवजा देने की मांग की। सामनेर से NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।